मेरा मकसद ये है कि मैं किसी एक पार्टी को जिताऊं या हराऊं, तो हार जीत तो लगी हुई है कि भारत की, अब हम अपना हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई हो रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असवसुद्दीन ओवैसी पूर्वांचल के दौरे पर हैं। अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ से वो चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। वाराणसी पहुंचे ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। अखिलेश पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तो उन्होंने 12 बार मुझे यूपी आने से रोका, 28 बार उन्होंने प्रदेश में हमारे कार्यक्रम को इजाजत नहीं दी। ओवैसी ने वाराणसी में कहा कि अब उन्हें आने की परमिशन मिली है तो आज वो पूर्वांचल के 4 जिलों का दौरा कर रहे हैं। अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में वो आज पार्टी के कार्यकर्ताओं से बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद वो मऊ में भी कार्यक्रम कर चुके हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ हैं। हाल ही में राजभर के साथ ओवैसी की पार्टी ने गठबंधन किया है। ओवैसी के वाराणसी आगमन पर इनके कार्यकर्ताओं ने इनका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ वो सड़क मार्ग से होते हुए जौनपुर और फिर आजमगढ़ रवाना हो गए। आजमगढ़ के सरायमीर स्थित मदरसा बैतुल उलूम में इनका कार्यक्रम था। अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके ओम प्रकाश राजभर कभी दूसरी पार्टी के खेवनहार हुआ करते थे, आज वो ओवैसी के अपना खेवनहार मानते हुए उनके साथ लगे हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के माध्यम से अपनी खोई हुई राजनीतिक ताकत को फिर से पाने के लिए उनके साथ राजनीतिक रास्ता तय कर रहे हैं। ओवैसी यूपी में होने वाले 2022 के चुनाव का बिगुल फूंकने व अपने दल के लिए जमीन तैयार करने में लगे हुए हैं। ओवैसी ने बोला कि हम अपनी हिस्सेदारी लेने आए हैं और अपनी पार्टी को सफल बनाना चाहते हैं। हमें किसी को हराना नहीं है, न ही किसी को जिताना है। और सुनिए ओवैसी ने आगे और क्या कहा। पूर्वांचल में जौनपुर और आजमगढ़ को आए हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा MIM पार्टी है और मैं जनता का, पूर्वांचल की जनता का, जौनपुर की, आजमगढ़ का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा ही मोहब्बत का मुजाहरा किया और हमारा बड़ा पुरजोश तरीके से हमारा वेलकम किया। और हमको यकीन है कि ये भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसकी क़यादत जनाब राजभर साहब कर रहे हैं, ये आने वाले विधानसभा के चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। खासतौर से जो पूर्वांचल का दौरा है उसको लेके आप क्या और किस तरीके से आप? अभी तो हमारी शुरुआत हुई है। मैं पूरे यूपी में फिरूंगा जनाब राजभर साहब के साथ, पूरे यूपी के हिस्से में जाएंगे, जनता से मुलाकात करेंगे। क्योंकि कोरोना और कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन है, हमको उम्मीद है कि जब वैक्सीन दी जा रही है तो उसके 2 महीने के बाद जब जनसभाएँ करने का मौका मिला वो भी करेंगे। जिस तरह से जनता ने आपको हाथों हाथ लिया ये तो ठीक है, लेकिन वो कटवा की तरह से लोग कहने की ये तो देखिए, जिसको डर होता है ना हारने का, तो हम पे इल्जाम यही लगा सकते नुकसान फायदा हुआ। देखिए, अगर इलेक्शन हम लड़ते हैं तो क्या मेरा मकसद ये है कि मैं किसी एक पार्टी को जिताऊं या हराऊं? मेरा मकसद होता है कि मेरा मोर्चा गिरे और मेरे मोर्चे के कैंडिडेट कामयाब हों। तो हार जीत तो लगी हुई है। ये जो गुलामी की जहनियत है कि नहीं, आप इलेक्शन मत लड़िए, आप सिर्फ थाली बजाइए और हमारी और हम वोट देते रहिए, अब राजनीति बदल चुकी है भारत की, अब हम अपना हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई हो रही है और मुझे यकीन है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने जो मोर्चा बनाया आपको भाई, जिसको जरूरत है आ जाए, हम तो तैयार हैं। राजभर साहब हमारे संकल्प मोर्चा के लीडर हैं, कन्वीनर हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा इस बात, आपके मोर्चे पे सत्ता दल का कहना है कि बाहरी लोग हैं और यहाँ कुछ खास कर नहीं पाएंगे, 4 दिन की हवा है, उसके बाद चुनाव में जनता बता देगी। ठीक है, 4 दिन के अगर बाहर है तो मालूम हो जाएगा कितनी बाहर किसकी।